सो है गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आयन। सो गाइस, सबके पास तो DSLR नहीं होता, मेरे पास भी DSLR नहीं है। मैं अभी मोबाइल से फोटो क्लिक करता हूं, मोबाइल से फोटो क्लिक करने से क्या होता है, डार्कनेस होता है एंड क्वालिटी बहुत ही लो होता है। फिर एडिट करने के बाद और भी क्वालिटी लो हो जाता है। इस टाइप का फोटो को अगर आपको HD बनाना है एंड कलरफुल बनाना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपके इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इमेज को शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के बाद आपको लाइट का एडजस्टमेंट करना है। लाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक्सपोजर को आपको बढ़ाना है और कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ाना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी हार्डनेस को भी थोड़ी बढ़ाना है और शेडो को आपका फोटो के इमेज के हिसाब से आप शेडो को आप सिलेक्ट करें। फिर आपको व्हाइट को आपको कम कर देना है और ब्लैक को आपको बढ़ाना है। जो हमारा डार्कनेस को काम था वो हो गया। अभी हम जाएंगे कलर को एडजस्टमेंट करने के लिए। फिर हम जाएंगे मिक्स पर जाने के पहले जो कलर होगा उसका सैचुरेशन को हम कम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर कलर पर जाएंगे, उसका सैचुरेशन कम कर देंगे और लुमिनेस को बढ़ाएंगे। इस बात को आपको गार्ड से सुनना होगा क्योंकि आपका टी शर्ट का कलर अगर ब्लू है तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। आपका टी शर्ट अगर येलो है तो येलो टोन यूज़ कर सकते हैं। आपका टी शर्ट अगर ग्रीन है तो ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। मेरा ब्लू है तो मैं ब्लू कलर एडजस्टमेंट करूँगा बैकग्राउंड के हिसाब से। ओके गाइस, फिर आपको डन कर देना है। फिर आपको सैचुरेशन को आपको -15 कर देना है और वाइब्रेंस को आपको +4 कर देना है। फिर आपको नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। इसे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्लैरिटी पर जाके क्लैरिटी को आपको 48 कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको वाइब्रेंस को आपको बिगेस्ट को आपको कम करके और आपको स्लिप टोन के ऊपर आपको फोटो के हिसाब से आप कलर को एडजस्टमेंट करें। तो मुझे थोड़ी लाइट कम लग रही है तो मैं लाइट पर जाके मैं एक्सपोजर को मैं बढ़ा लेता हूँ। और तो गाइस देख सकते हो जो हमारा फोटो था डार्कनेस एंड कलरनेस था वो कम्प्लीटली कलरफुल हो गया एंड डार्कनेस तो है नहीं फोटो के अंदर। सो गाइस बिफोर आफ्टर आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी हम क्या करेंगे, फेस को थोड़ी स्मूथ करेंगे और HD इफेक्ट देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, शेयर पर जाके हम इस इमेज को हम शेयर कर देंगे। ऑटोडेस्क एक्सकेस बुक के अंदर इमेज को सेव करेंगे, उसमें जाके हम फेस को स्मूथ करेंगे। आपका पिक्चर अगर ओपन हो जाए फिर आपको क्या करना है, आपको ऊपर आपको ब्रश टूल को आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको थोड़ी स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा स्मूथ, पहला जो ब्रश है उस ब्रश को आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक करने के बाद आपको ब्रश को आपको साइज को आपको सेटिंग करना होगा। फ्लो को आपको 3% रखना है और स्ट्रेंथ को आपको 3% रखना है और ब्रश का साइज आपके हिसाब से आप रखें। ब्रश का साइज आप जितना छोटा रखेंगे और जितना जूम करके आप इस ब्रश को अप्लाई करेंगे उतना आपका फेस स्मूथ होगा। फिर आपको बॉडी एंड फेस के ऊपर इस ब्रश को आपको अप्लाई करना है। आपको धीरे धीरे करना है, जितना आप इस इमेज के ऊपर टाइम देंगे उतना अच्छा होगा। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। सो गाइस अभी तक अगर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Girls with their nails done.
सो गाइस आपको अगर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अगर हेयर स्टाइल बनाना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस फाइनली जो हमारा फोटो था वो तैयार हो गया। आपको गाइस ऊपर आपको थ्री लाइंस मिल जाएगा, थ्री लाइंस पर क्लिक करके आप इमेज को शेयर करें, सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके आप इमेज को सेव कर लें, फिर आप देखें पिक्चर क्वालिटी आपका पहले कितना था, आप एडिट करने के बाद आपका क्वालिटी कितना हुआ, फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब की तो थैंक यू सो मच, और पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइस चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।